गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी, सभी को कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। और कल का व्लॉग ना जो मैं स्टार्ट कर रही थी शाम को, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाया क्योंकि मेरे आगे थे फिर उसके बाद गेस्ट, तो मैं उनको अटेंड करने में लगी थी। और जो मैंने सब्जी बना के रखी थी ना, बनाने को रखी थी, हाथ में लग जाए कुछ, और जो मैंने ना सब्जी बनाने को रखी हुई थी वो नहीं बन पाई कल शाम को, भाई वो बनाई अभी सुबह, तो आपके साथ शेयर करी मैंने अभी। चलिए आज आपको ना बहुत दिनों के बाद अपने घासणियों की सैर करवाते हैं, पहाड़ों की सैर करवाते हैं। और पशु जो है सारे के सारे बाहर बन चुके हैं, इनको डाली डाल दी गई है, खा भी गए हैं आधे तो। और आज जाएंगे हम घासण को, घासण मैंने आपको दिखाई हुई है ना, हमारे घास कितना दूर है ऊपर, बहुत पहाड़ों पे ऊपर जाना पड़ता है। घर जो है हमारे वो रोड के साथ ही है, थोड़े से दूर है रोड से, लेकिन घास जो है हमारा काफ़ी दूर है ऊपर। तो मैंने पहले पुराने व्लॉग में शेयर किया हुआ है, वहाँ से ना हम घास सर्दियों में ही लाते हैं। अब जैसे फरवरी का महीना आधा हो गया है ना, बस अभी से शुरू हो जाएगा और जून तक हमारे वहीं से आता है घास ज़्यादातर। तो चलिए भाई चलते हैं, बहुत दिनों के बाद आज आपको पहाड़ों की सैर करवाती हूँ। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, आधा बिल्कुल मत छोड़िएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो आज मैंने बनाई है ना सब्जी, वो शुरू वाली बहुत टेस्टी बनी है। पहली बारी मैंने बनाई थी ना तो वो इतनी अच्छी थी, आज मैंने उसमें टमाटर डाल के ना सब कुछ ऐसे अच्छे से बनाई। वैसे तो पहले भी अच्छे से बनाई थी लेकिन उस टाइम ना उसमें पानी थोड़ा सा ना ज़्यादा हो गया था तो मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी थी। इस बारी मैंने पानी कम रखा है तो अच्छी सी लगी खाने में, टेस्टी लगी। चावल के साथ भी खा सकते हैं इसको, और ये ना बहुत ज़्यादा गुणकार होती है, मतलब ये ना दवाई के तौर पे, जैसे अभी गर्मी आएगी ना आगे को तो शुरू जो होती है ना वो गर्मी नहीं लगने देती इंसान को, लू नहीं लगती है अगर इसको खाते हैं। बहुत सारी जंगली सब्जियाँ हैं जो पहले के बुज़ुर्ग खाते थे, आजकल भूल चुके हैं लोग उसको, तो इसका ना बहुत कुछ बनता है। शुरू की बड़ियाँ भी बनती हैं, शुरू का रायता भी बनता है, और शुरू का जो मैंने सब्जी बताई आपको ये भी बनती है, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। आगे बनाऊंगी और जो भी इसका आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप भी देखिएगा। आपके होती मैं इसको ना, इसका पेड़ आपको जाऊंगी अभी जंगल में ना तो दिखाऊंगी कि इसका पेड़ कैसा होता है। तो वैसे मैंने पुराने ब्लॉग में दिखाया हुआ है लेकिन भूल जाते हैं ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने ना देखा हो। तो चलिए आज शुरू का पेड़ भी दिखाती हूँ आपको, घास काटने जाएंगे जब वहाँ दिखाऊँगी। ये है वो शुरू कांटेदार, इसको जब काटते ना बड़े ध्यान से काटना पड़ता है, इसमें से ना दूध गिरता है, अगर वो दूध कहीं आँख में चला जाए ना तो आँख फट जाती है। जो ये आगे आगे हरे हरे गोद दिख रहे हैं ना इसके, ये काटने पड़ते हैं इसके, इसकी होती है वो सब्जी। और आजकल घास तो हमारी ये देखिए सूख जाता है पूरा ही, और हरी डाली और चीज़ लगाते हैं ना। और ये देखिए बान का पेड़, पहले भी मैंने काफ़ी व्लॉग में आपको दिखाया हुआ है लेकिन मैंने सोचा जब आई हुई हूँ तो चलिए दिखा देती हूँ। ये बान का पेड़ देखिए यहाँ पे, ये बान के पेड़, और ये साथ में चील का पेड़ भी है। चील के तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, चील के पेड़। और ये करुंदड़ू होता है यहाँ, देखिए इसमें फल भी लगते हैं, ये छोटे छोटे दाने, अभी तो ना ये खट्टे होते हैं, जब ये पक जाएंगे ये तो थोड़े ऐसे काले काले से रंग के हो जाते हैं इस तरह के, तो ये मीठे भी होते हैं खाने में। और मम्मी काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मैं बात तो में ही रह गई। चलिए भाई दौड़ मारते हैं, मम्मी ऊपर को चले गए, ये देखो। छिटना पड़ना है सची में। हाँ तो ये देखिए, ये है यहाँ पे रास्ता, और ये ना रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये रास्ता ही है जिसको मैं काटूँगी, यहाँ नीचे चील से लेके लग जाती हूँ। रास्ता काटना पड़ेगा ना पहले, घासन तो ओ ऊपर तक है दूर, और उधर वाली भी है हमारी घासन, वो जो ऊपर चोटी दिख रही है, पर वहाँ नहीं जाएंगे हम आज क्योंकि लेट आए हैं घर से ही। और ऐसे तो ना पेड़ पौधे देखिए कितना सुंदर लगता है ना, पहाड़ ये देखिए खूबसूरत नज़ारा पहाड़ों का, हरियाली चारों ओर, फ्रेश एयर, ये देखिए हवा चल रही है ना, थोड़े थोड़े पत्ते भी हिल रहे हैं, डालियाँ हिल रही है, ये देखिए फ्रेश एयर अभी हम यहाँ पे ले रहे हैं।
और मम्मी तो पार्क में निकल गए। मम्मी बोल रहे हैं हमारे जो घास काटने आते हैं ना एक अंकल, उन्होंने सारे में ना बीच बीच में काटा हुआ है। ये देखिए अपन जैसे खुद काटते हैं ना हम, वैसा और कोई नहीं काटता। अपने आप जब हम काटते हैं ना तो ये सारे ये छोटे छोटे कांटे हैं इनको साफ़ कर देते हैं ताकि अगले साल को ना घास अच्छा हो। लेकिन और आता है ना कोई भी तो और नहीं काटते इस तरह से, और तो बस अपना घास निकालते हैं और साइड साइड से और निकल जाते हैं। तो अभी काटूंगी मैं ये रास्ता। और पता क्या, हम घर से आए लेट, क्या टाइम हो गया था अभी देखती हूँ क्या है, 10:11 हो गए। तो हम घर से चले होंगे शायद 10:15, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो काफ़ी गर्मी लग जाती है अब। और मैंने ना स्वेटर भी पहनी हुई है, स्वेटर भी नहीं उतारा, स्वेटर उतार के आती ना तो ठीक था, तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ से करती हूँ शुरुआत, यहाँ से करूँगी शुरू। और मम्मी चले गए पार लगेंगे मम्मी, और मैं यहीं से काटूँगी। चलिए भाई काट लेती हूँ घास, सूख जाता है आजकल हमारे घास ना बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ये देखिए हरे के लिए जैसे जई जुई है और जो खेत में लगता है ना हरा आजकल वो चलता है, और बाकी डालियाँ तो है ही, ब्यूल वगैरह जो होता है ना वो तो देते ही हैं। बीच बीच में बांध भी ले जाते हैं, बांध इतना नहीं खाते पशु आजकल तो, लेकिन फिर भी दे देते हैं बीच बीच में ना, बीच बीच में चल पड़ता है। तो चलिए भाई काट लेती हूँ घास। तो यहाँ पे लगी हूँ मैं घास काटने, और मम्मी थोड़े से ऊपर लगे हुए थे और मैं यहाँ पे रास्ता काट रही थी। तो मैंने ट्राइपॉड लेके नहीं आई थी साथ में, और ऐसे ही मैंने फ़ोन सेट किया हुआ था, तो बस इसमें इतनी अच्छी नहीं आई वीडियो। तो आज बहुत दिनों के बाद सर्दियों में ना हम आए ही नहीं हैं, सूखे घास को इधर बहुत कम आए हैं। ज़्यादातर ना हमारी डाली का घर से ही चला रहता है, जो हमारे बगीचा है ना वहाँ पर डाली है, जो वहीं से चला रहता है गुजारा पशुओं का। बाकी हम सूखा घास जो हमने काट के रखा था वो डाल देते थे बच्चियों को। लेकिन अभी जैसे बारिश हो गई ना तो अभी घासण में से ले जाएंगे घास, क्योंकि अभी इसमें ना हरा लगना भी शुरू हो जाता है। तो बस यहाँ पे घास काट लेती हूँ। तो बस घास काट के घर में खाना खुना खाया और बच्चों को नहलाया, और शाम के टाइम आ गई थी मैं खेत में। नहीं 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 मत छेड़ो, लेना उसको ना। तो अभी है शाम का टाइम और मैं लग गई हूँ खाना बनाने। खेत से आके ना फिर ओबरे का किया, उसके बाद यहाँ पे तेल ख़त्म हुआ था बॉटल में, तो मैंने पैकेट खोल के इसमें डाल ही लिया। तो मैंने ना बॉटल रखी हुई है क्योंकि बच्चे वाले घर में ना डब्बा डुब्बा कई बार गिर देते हैं, तो बॉटल में ना सेफ़ रहता है। और मैं डाल देती हूँ इसमें बॉटल में भी ऐसे ही बिना कीपदानी के, मतलब धार लगा के ऐसे गिरा देती हूँ इसमें को, तो हो जाता है अच्छे से। तो जब मैं खेत को गई थी ना उस टाइम मैं ना चने उबालने को डाल गई थी, काले चने मैंने उबलने को डाले हुए थे। तो जब मैं वापस आई ना तो चने जो है उबल चुके थे अच्छे से, बाहर वाले चूल्हे पे लगाए हुए थे ना, और मोटी सी समदा लगा दी थी वहाँ पे। तो होता रहता है इस तरह से काम, यही फ़ायदा हो जाता है उसका कि आप कुछ पकने को डाल दीजिए, मोटी सी समदा लगा दीजिए और ख़ुद आप काम कर लीजिए, दूसरा पक जाती है जो भी चीज़ पकने को लगाई है। और यहाँ पर मैं करछी से ना थोड़े से इन चनों को कूट रही हूँ, तो मुझे ना आलू नहीं डालने हैं इसमें, मैं ऐसी बनाऊंगी इसको चने ही वाले। ये देखिए इस तरह से ना इसको थोड़ा थोड़ा मैश कर दिया ताकि इसकी ना ग्रेवी अच्छी आ जाए। आप इसकी जगह पे यहाँ पे बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में इस तरह से ही पसंद किए जाते हैं। थोड़े थोड़े कूट देते हैं ना, तो जैसे बुज़ुर्ग हैं जिनके दांत नहीं है ना
या दांत कम है तो उनके भी अच्छे से चबाए जाते हैं, फिर ये ना अच्छे हो जाते हैं ये, फिर अगर इस तरह से करते हैं तो। और आँच अभी काफ़ी अच्छी लग चुकी है चूल्हे में और मैं लगाऊंगी तड़का। तो सबसे पहले मैंने साबुत जीरा डाला है इसमें, ये देखिए जीरा तड़कने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी मेथी डाल दी है, और तो मेथी बहुत ही ज़रूरी होती है। यहाँ पर मैंने कुछ अदरक और प्याज यहाँ पर काट के रखा हुआ था वो डाल दिया, और साथ ही के साथ इसमें मैं कूटा हुआ लहसुन भी डाल दूंगी। तो थोड़े फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ आपको, वीडियो ना बहुत ही बड़ी हो जाती है तो बड़ी वीडियो को फिर कोई इतना देखता नहीं है। तो बस यहाँ पे मसाला आपको पता ही है कि ब्राउन हो जाना चाहिए, अच्छे से भून जानी चाहिए सारी चीज़ें, तभी जो इसका टेस्ट है वो खिल के आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया धनिया, जो हमारे जनरल से मसाले हैं, मिर्ची और साथ में हल्दी। तो हल्दी मैंने कुछ उबलने के लिए भी डाली थी लेकिन अभी भी मैंने डाल दी है थोड़ी सी। और यहाँ पे मैंने टमाटर चॉप किए हुए हैं, तो अब ये उसमें नहीं किए हैं, चॉपर में नहीं किए, हाथ से ही काटे बारीक बारीक। साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया क्योंकि टमाटर जो है ना वो तो नमक से ही गलेंगे। ये देखो काले चने, ये देखिए काले चने, मैंने इनको ना थोड़ा थोड़ा करछी की सहायता से मैश कर लिया है। तो आगे मैंने सब्जी तड़क दी है और इतना धुआं धुआं हो रहा है ना कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, और चने जो है उबले हुए हैं। और जितने टमाटर पकते हैं ना उतने मैं आटा लेके आ जाती हूँ, आटा छान लेती हूँ और गूंद भी लेती हूँ, और साथ में गाय के लिए लांबड़ भी लगाया हुआ पकने को पीछे, तो काला काला सा पतीला है ना वो। और टमाटर जो है अच्छे से मैश हो जाएंगे ना, मतलब अच्छे से पक जाने चाहिए ताकि वो ना ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दे, तो बस उस टाइम हमारे टमाटर पक जाएंगे। और अभी मैंने वीडियो लगाई हुई है अपलोडिंग पे और साथ में व्लॉग भी कर रही हूँ शूट, जो जो कर रही हूँ कैप्चर। अभी बच्चे जो है बाहर खेल रहे हैं और आज है 15 फरवरी, मंगलवार है, 15 फरवरी है, मंगलवार है। और बस अभी बना लेती हूँ, और आज जिस किसी का भी जन्मदिन होगा मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरी किसी खास का जन्मदिन है, जी हाँ आज मेरे भैया का जन्मदिन है, मेरे जो छोटे वाले भैया हैं उनका जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, यही बोलूँगी भगवान से, और उनको दीर्घायु दें और स्वस्थ रहें, घर परिवार में सब खुशहाल रहें। और भाई चलिए बहुत सारी बातें होंगी ना, मेरे भी गेस्ट आए हुए हैं और सोचे होंगे कि भाभी कब खाना बनाएगी, मेरी ननदे आई हुई हैं, तो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और फिर बाद में देखती हूँ क्या क्या कैप्चर करूँगी। तो चलिए, तो यहाँ पे ना टमाटर जो है वो गए हैं पक अच्छे से, और इसको मैंने एक बार पहले ही चेक किया था, अभी दूसरी बार मैं फिर से थोड़ा सा ना कड़छी से इसको मैश कर लूँगी, और बस उसके बाद इसमें चने हम डाल देंगे, अच्छे से उबाल लगा लेंगे, अच्छे से गल, जितना पानी डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। इसमें मैं ना सूखे सूखे बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि आज मैं चावल नहीं बनाऊँगी, शाम को चपाती के साथ ही हम ये खाने वाले हैं। तो बस यहाँ पे ये वाला काम जो है हो ही चुका है, और भाई आज एक और है हमारे घर में सेलिब्रेशन, तो उसके लिए व्लॉग को आपको पूरा देखना होगा कि क्या सेलिब्रेशन है, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। हमने थोड़ा सा किया था ऐसे ही, तो मुझे ना चावल किया था, तो मेरे ननद जी आए हुए थे ना, तो साथ मिलके सेलिब्रेट किया है, ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे केक काटा जा रहा है, सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए हुए हैं, और साथ में देखिए ननद जी। तो आज पता क्या है, आज मेरे छोटे वाले ननद जी हैं उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, साथ में मैंने आपको बताया ना कि आज मेरे भैया का जन्मदिन भी है, तो यहाँ पे सभी लोग साथ में काट रहे। और यहाँ पे जो ननदोई जी है ना वो नहीं है, क्योंकि वो जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो वो है नहीं यहाँ पे, आउट ऑफ स्टेट है वो, यहाँ पे हिमाचल से बाहर है,
तो यहाँ पे बच्चों के साथ केक कटिंग हो रही है क्योंकि जो इनकी बेटी है ना वो यहाँ पे पढ़ती है स्कूल में, यहीं डाली घर जो है इनके यहीं पे ही है तो इसलिए ये यहीं पे रहते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पे केक कटिंग हो रही है भाई, हम यहाँ पे बोले थे बच्चे गा रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं इनको बोली थी कि हैप्पी बर्थडे मत गाओ आज बर्थडे थोड़ी है, फिर हम बोले थे कॉन्ग्रेचुलेशन अ सेलिब्रेशन, इस तरह से हम यहाँ पे गा रहे थे। और धैर्य भी यहाँ पे कैमरामैन बना हुआ था अपनी बुई का फ़ोन लेके क्योंकि फिर फ़ोटो भेजनी थी इनको भी नंदोई जी को। और यहाँ पे बच्चों को मुंह मीठा करवाया जा रहा है, तो चलिए भाई आप लोग भी हमारे साथ केक खा लीजिए। और बस ऐसा ही होता है छोटा मोटा सेलिब्रेशन ना, इस तरह से ही करते हैं हम, मतलब खुशियाँ जो है ना वो चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है ना केक वगैरह खाना तो बच्चे खुश हो जाते हैं। और वैसे तो ये केक वगैरह काटना जो है ये अभी वेस्टर्न हमारा कल्चर आ गया है, लेकिन क्या है कि बच्चों को ना अच्छा लगता है तो हम कर लेते हैं ये बीच बीच में थोड़ा। तो यहाँ पे बस बच्चे अपने बुई के मुंह में केक लगा रहे थे और बस थोड़ा सा फनी सा फेस इनका बना रहे थे। तो बस आज का व्लॉग जो है गाइस वो इतना ही है, यहाँ पे बस इतना ही कैप्चर किया क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरे गले में भी दर्द हो रही थी तो थोड़ा थोड़ा लग रही थी गले में, उसके बाद बस नहीं किया कुछ भी कैप्चर, खाना खुना खाया और जो होता है डेली का काम वही किया। तो व्लॉग अच्छा लगा होगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अभी इन्होंने मुझे कह दिया था यहाँ पे कि भाभी जी आप पीस करो, सब बच्चों को आप दे दो केक, तो यहाँ पर मैं केक के पीसेस कर रही हूँ और बच्चों को दे रही हूँ, तो बच्चे तो बस इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें जो फ्लावर लगे होते हैं ना ऊपर उसके लिए सभी जिद कर रहे थे, तो इसमें 4 फ्लावर थे लेकिन बच्चे यहाँ पे 5-6 थे, तो सभी ये बोल रहे थे कि मुझे फ्लावर वाला चाहिए मुझे फ्लावर वाला चाहिए। फिर एंड में जो बड़े वाले बच्चे हैं ना उन्होंने थोड़ा सा कर लिया सेक्रीफाइस कि चलो छोटों को दे देते हैं, क्योंकि ना फिर बड़ों को ऐसा हो गया था कि हम दूसरा खा लेंगे, जो क्रीम का फ्लावर होता है ना बना हुआ तो बच्चों को लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, तो इस तरह से करते हैं। तो चलिए भाई आप भी हमारे साथ केक खा लीजिए और बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय मुझे देने के लिए, मिलूंगी एक नई सुबह एक नए व्लॉग के साथ, बाय।